देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा पहला बजट है और पहला बजट होने के नाते मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार है और हमें हमारी डबल इंजन की सरकार पर हमें भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे प्रदेश की सरकार हो, जनता के विषयों को लेकर के हम चलते हैं और इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो आज हमने संकल्प पत्र में कह रहे हैं, हमारे बजट में जो हमने कहा है, हम एक एक बात को पूरी करेंगे क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। जसविंदर जी देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बात मेरे से ना कहलवा करके आप अंतर आत्मा का विषय भी बना लीजिए। जसविंदर जी अंतर आत्मा का विषय इसलिए बना लीजिए मेरे भाइयों कि आप इस प्रदेश के नागरिक हो और नागरिक होने के नाते हमको सबको अधिकार है कि हमें सोचना चाहिए। एक जिले बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश के युवाओं का प्रदेश की जनता को ख्याल रखते हुए कोई निर्णय हमें लेना चाहिए और उन निर्णय को हम लेंगे, आगे भी हम काम करेंगे और जो जनता की अपेक्षाएं उनको पूरा करेंगे। हाँ जसविंदर जी बोल, एक मिनट भैया जसविंदर जी नीचे हो जाओ। देखिए मेरे भाई जी, ये एक साल का बजट है, कितने का है, आने वाले समय में क्यों चिंता कर रहे हो आप? आने वाला विजन है इसमें, आने वाले समय में आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ बोलिए। कहाँ पंजाब में पानी चोरी होता है, क्या राज्य सरकार के पास ऐसा प्लान है? आपने शायद बजट पूरी तरह से सुना था कि यही थे क्या आप? उस टाइम का इधर उधर तो नहीं गए? ये तो मैं बताता हूँ आपको, दोबारा मैं कह देता हूँ आपको, ऐसा है। पहला क्वेश्चन आपका है, आप निश्चिंत रहिए ये डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान को भी और पंजाब को भी हम पानी एक्स्ट्रा पिलाएंगे, जो जितना वो पी लेंगे उसके बाद हमको आएगा। आपको पता नहीं है पॉम्प डैम जो हिमाचल से जहां से पानी आता है, वहां 10 फुट पानी जो ऊपर सबसे ऊपर होता है 10 फुट पानी वहां कम है, हमने उससे बढ़ाने की भी मांग की है। और हमने पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है उसके लिए भी बजट में हमने प्रावधान किया है, उसको भी हम पक्की बनवाएंगे और वहां से जो ज्यादा पानी हमको मिलेगा तो आपको तो अपने घर में जितना पीना है उतना ही करें। अरे चोरी कहां जाएगा, चोरी तो अपने लिए कम पड़ेगा जब करते हैं, बाकी का राजस्थान को पूरा पानी उसके हक का मिलेगा, आप चिंता मत करिए। हाँ भैया ये अपना अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने। देखिए आप देखते हैं, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, ये विषय छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए। पंचायत के साल भर में 5 चुनाव होते हैं, नगर निकाय के साल भर में 6 चुनाव होते हैं, सहकारिता के तो 8 होते हैं 10 होते हैं, पता नहीं मुझे कितने होते हैं, इसलिए नहीं कि बार बार आप दो जिले करा दिए। ये राजस्थान के अंदर ये चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका मत लेना चाहता हूँ कि आपका मत क्या है, बने स्टेट बने इलेक्शन ठीक है या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे, आप बता देना क्या है। हाँ निश्चित रूप से कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आप पढ़िए, उन्होंने उनके समय में कितने अलॉटमेंट हुए थे, हमारे समय में कितने अलॉटमेंट हुए हैं, हमारी खनिज संपदा हमारे पास है, निश्चित रूप से करेंगे। सर आपकी सरकार ने सीएनजी पीएनजी को
तो कम कर दिया टैक्स, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए कोई विचार किया जा रहा है? और सेकंड, ये पूरा बजट महंगाई को रोकने के लिए किस तरह कारगर साबित होगा? देखो, आपने पहले तो मेरे को धन्यवाद नहीं दिया, धन्यवाद इस बात का नहीं दिया कि राजस्थान के अंदर 7.18 रुपए पेट्रोल और 6.80 रुपए डीजल पहली बार कम हुआ। आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि ये हमने इसलिए किया था कि राजस्थान के जिलों में भी समानता नहीं थी, हमने वो समानता भी लाए, थोड़ा बहुत अंतर रहा है, वो समानता भी लाए और हमने कम भी किया। पहले इसके लिए धन्यवाद दो, उसके बाद फिर आगे की आपकी बात। अंतिम प्रश्न भैया, अंतिम प्रश्न, एक मिनट मुकेश की बात करिए आज, एक मिनट भंडारी साहब आपका हो गया, एक बार मुकेश जी बोलो। आपका विचार आए आगे, आपका प्रस्ताव आया, आगे विचार करें। एक मिनट, अंतिम प्रश्न कौन करेगा भैया, खड़े हो जाओ, अंतिम प्रश्न बोलो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्या नाम है भाई? लोकेश जी, बहुत अच्छा, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हमारे संकल्प पत्र में भी था, अपराध होता है, राजस्थान के हर नागरिक को सुरक्षा का जिम्मा हमारी जिम्मेदारी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि साइबर क्राइम कितना होता था, पिछले दिनों आपने कार्रवाई भी देखी होगी, और अगर आंकड़े आपके पास हो तो देख लेना कितनी कमी आई है। यही नहीं, राजस्थान के हर क्षेत्र में भी कमी आई है। और एक और मैं कहना चाहता हूं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का भी गठन हम कर रहे हैं, ये जिस तरह से जिन जिलों में नार्कोटिक्स का काम बढ़ा है, हम उसे भी नहीं होने देंगे। और आपको हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अपराध किसी भी तरह का अपराध हो, हमारी सरकार किसी प्रकार से सहन नहीं करेगी, और उस अपराध को खत्म करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह के अपराध, चाहे नार्कोटिक्स वार हो, साइबर क्राइम हो, चाहे गैंग वार हो, ये हमारे संकल्प पत्र में भी है, और चाहे पेपर वाला भी तो देखा आपने, पहले किसी ने भी पकड़ा था क्या? कहीं कोई अगर था तो भी देखा भी नहीं किसी ने उसकी तरफ। अब आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमने कहा आपको साधन संसाधन और उपलब्ध कराएंगे, चिंता मत करिए, तो संकल्प पत्र में कहा है ये सारी बातें, वही कह रहे हैं आप, उसको पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।